मुझे डर है कि कहीं कोई जंगली प्राणी ना आ जाए, बस इसलिए मैं ये स्टिक रख लेता हूँ हाथ में, तो कुछ प्रोटेक्शन के लिए रहेगा। पूरा जंगल है, नाइन आर्ट्स ब्रिज। ओके थैंक यू। चलो भाई, लोकल से कंफर्मेशन तो मिल गया, पर कितना दूर है यार ये? इसको बोलते हैं नाइन आर्क ब्रिज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन इन ट्रांजिट चैनल के एक और ट्रैवल व्लॉग में। तो हम हैं अभी तीसा महारामा में और जाने वाले हैं एला, तो उसके लिए मुझे बस लेनी पड़ेगी और बस मिलेगी यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर। मैंने 500 ग्राम्स नाश्ता क्या भर दिया, ज़्यादा बैग में कुछ ज़्यादा ही वज़न लग रहा है मुझे, तो हम चल नहीं पाएंगे, तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा अभी। मेन रोड पे आ गए हैं, अभी हम जाएंगे थानमाल विला। थानमाल विला करके एक टाउन है, यहाँ से 26 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से मुझे बस मिलेगी एला की। तो अभी कुछ पता नहीं है मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर लोकल बस वहाँ तक तो ले ही जाएगी, तो पूछ लेते हैं इससे इनसे। दादा, कैन आई गेट बस फॉर थानमाल विला फ्रॉम हियर? यू आर गोइंग टू देयर? ओके, जस्ट लेट मी नो। ओके थैंक यू। बस मिल गई है, वो लेके जाएंगे हमें 24 किलोमीटर और वहाँ से मिलेगी हमें एला की बस। थानमाल विला 70 रुपीज़। हमने ढूंढना है एला की बस, उससे पहले कुछ नाश्ता वास्ता मिल जाए यार, बहुत भूख लगी है अभी भाई। अभी भी एला बाकी है, ये है वेलावाया और देखो ये भाई, ये देखो
जैसे हम ऊपर आ रहे थे तो मतलब नॉर्मल गाड़ी चला रहे, फिर जैसे उनको पता नहीं आगे एक बस आ गई ना, तो उसके बाद तो पता नहीं उनको माता चढ़ गई थी क्या, ऐसे 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 घुमा डाला सबको बस में। और मुझे भी, मैंने बोला भाई मुझे अलाउ करना है, सुन ही नहीं रहा बंदा तो आगे मुझे थोड़ा लेके आ गया। बीच और वो सब नहीं देखने को मिलेगा, अब देखने को मिलेगा थोड़ा हिस्ट्री वाला सब, तो उसके लिए तैयार रहना। ये देखो भाई, वहाँ घर हो तो कैसा लगेगा आपको, देख रहे हो। He was nice. Thank you, bye. भाई गर्मी बहुत है इधर यार, चाय का मुझे थोड़ा एडिक्शन लग रहा है। हाय ब्रदर, गुड गुड गुड। चाय का मुझे थोड़ा एडिक्शन जैसा लग रहा है, क्योंकि मैं जिस दिन चाय नहीं पीता हूँ ना, इस दिन मेरा दिमाग हिल जाता है, इसलिए मुझे आज चाय पीनी पड़ी। अब मैं अला के लिए ऊपर आ रहा था, आधे रास्ते में मुझे ऐसा हुआ कि मैं बेहोश होने वाला हूँ, इसलिए मैंने कुछ शूट भी नहीं किया, ऐसा सिर दर्द कर रहा था ना साला। फिर जैसे ही यहाँ उतरा, ये वो अच्छी रेस्टोरेंट देखी है, तो फिर मैंने वहाँ से चाय पी ली। जैसे ही चाय पी ना, सारा सिर दर्द ख़त्म भाई। आई थिंक आई एम एडिक्टेड टू द टी और कैफीन, कैफीन बोल सकते हो तो भाई वैसा हुआ है। लंका बैकपैकर हॉस्टल, लाइक लंका बैकपैकर हॉस्टल, लंका। यस यस। हेलो, व्हाट पर्सन यू वांट रूम? नो 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 नो, आई हैव बुक्ड। तो भाई ऐसा है। हाय, ये देखो पुलिस वाले भाई, यहाँ मतलब पुलिस वाले बहुत सपोर्टिव है, वो चीज़ तो मैंने देखी। और यहाँ फॉरेनर्स भी है भाई, मैं वहाँ अकेला अकेला पागल हो चुका था भाई। यहाँ भी हम पहले हैं मैंने पहले होने की कसम खा ली है भाई अभी तो इस हॉस्टल में भी मैं पहला, फॉरेन तो नहीं, लोकल जो भी बोलो, लॉकडाउन के बाद पहला टूरिस्ट हूँ। तो अभी वो सब सजा रहे, फिर उसके बाद हम चेक इन करेंगे और सो जाएंगे आराम से, क्योंकि भाई थक चुका हूँ मैं बहुत। अभी जाते हैं नाइन आर्क ब्रिज पे, जैसे नाइन आर्क बने हुए अंग्रेज़ों ने बनाए हुए, वो एक्चुअली ट्रेन का वो ब्रिज है, तो उधर जाने का ट्राई करते हैं। जो मेरी हॉस्टल से ज़्यादा दूर है नहीं, तो अभी देखते हैं। तो भाई हम चले नाइन आर्च ब्रिज की तरफ। फ्रॉम हियर, ओके। नाइन आर्क वाला भाई फुल एडवेंचरस होने वाला है। Thank you.
इसको बोलते हैं नाइन आर्क ब्रिज। कुछ ऐसा दिख रहा है यार। और मैं इस उस जंगल से आया हूँ, जंगल से बहुत स्कैरी था भाई। इट्स स्टेबल नाउ सो लेट्स होप फॉर बेस्ट। सो वेयर यू केम फ्रॉम? फ्रॉम हियर दैट टनल दिस वे? दिस वे। दैट वाज अ स्कैरी मैन। आई एम कैरिंग अ स्टिक ऑल द वे डाउन। एंड आफ्टर दैट लाइक अनुराधापुरम। We are from Anuradhapuram. Okay. So you are going now Anuradhapuram? No, actually we are going headed to Haputhale. Okay. It's like 20 kilometers from okay. here. Okay. What's the best thing to see in Anuradhapuram? Anuradhapuram, it's mostly about the heritage sites, you know, Ashtana, Ruwanallisaya, and those places. But apart from that, there are a couple of hidden places, you know, like Samadhi Pillime and the, Can you write it down? Yeah, sure. So you're going. So. And also the other one is like the lakes there. Yeah, yeah, there lakes. There are lots of lakes in Sri Lanka there. Yeah. So I'll write down with the Sinhala pronunciation so you can tell. Yeah, no problem. Aukan. Aukan is a bit far away from the Anuradhapura town, so you have to go to like 50 to 60 kilometers to get there. But there is a beautiful lake there as well, Mihintale. Yeah. Okay. So, three of them, I will definitely visit there. The near town, but surfing was there are no other tourists, so though they said that we won't let you do surf. हमें मिल गए साथी, तो उनके पीछे पीछे हम जा रहे हैं। अकेला तो मैं जाने वाला नहीं था क्योंकि बहुत स्कैरी है। नो आफ्टर द ओला आई विल बी in Newara area. Ah, okay, cool. After that I will visit Jaffna. तो भाई हम आ चुके हैं हॉस्टल पे। तो वो दो कपल थे ना, उनके साथ थोड़ा अच्छी जान पहचान हो गई थी, तो वो बात कर रहे थे और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो अच्छी बात नहीं थी, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। और वो एडम्स पिक है ना, वो सामने गाड़ियों दिख रहे हैं ना, उसके जस्ट आगे ही उसका रास्ता है, तो हम वहाँ बाहर निकले और थोड़ी बात की और मैं इधर आ गया। तो बस अब मिलते हैं कल हम सुबह अर्ली मॉर्निंग जाएंगे एडम्स पीक, लिटल एडम्स पीक।